बच्चों, पिछले 3 क्लास में हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति का पूरा जो भी थ्योरी है, जो भी सूत्र व्याख्या है, वो कंप्लीट हमने कराया है। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थी विभक्ति कारक कौन सा है? तो संप्रदान कारक है। मतलब आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं संप्रदान कारक के बारे में। आप बताएंगे संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में आप अभी कमेंट मैसेज करें संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है। ठीक है बच्चों, संप्रदान कारक में सबसे पहले संप्रदान किसको कहेंगे? संप्रदान जो होता है वह कहेंगे किसको? तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर हम किसी व्यक्ति को कोई सामान दे दिए और फिर उसको हम रिटर्न नहीं लेंगे तो यह प्रोसेस संप्रदान कहलाता है। सप्रदान मतलब पूर्ण रूप से हम किसी को प्रदान कर दिए, दे दिए, उस पे हमारा कोई अब अधिकार नहीं है, तो वह क्या कहलाता है बच्चों? संप्रदान कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप संप्रदान का डिफिनेशन नोट करेंगे। संप्रदान कारक कहेंगे किसको? लिखा हुआ है, जिस किसी व्यक्ति को कोई चीज कोई चीज या फिर वस्तु सम्यक रूप से प्रदान की जाए, क्या किया जाए? प्रदान की जाए। दैट मीन्स बच्चों, अगर एक बार हम दे दिए तो फिर उसे रिटर्न नहीं लेंगे। सम्यक रूप से प्रदान की जाए अर्थात देने के बाद पुनः नहीं लिया जाए, पुनः नहीं लिया जाए, उसे संप्रदान कहते हैं। उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ चेंज करके लाइन लिख लीजिएगा, संप्रदान कारक में संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्या चीज है बच्चों? जैसे क्या चीज लिखेंगे? तो जैसे लिखिए, वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है। अब बच्चों, इसको जरा आप अनुवाद बनाइएगा तो क्या चीज बनेगा? वह के लिए क्या लिखेंगे? तो सह, सही है। और ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो अभी बोले हैं संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है, जिसे कोई चीज दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दिया किसको जा रहा है? ब्राह्मण को, जिसे
कोई चीज़ दी जाए, मतलब जिसको हम देने का काम करेंगे उसमें चौथी विभक्ति लगाएंगे, ना कि जिस सामान को दे रहे हैं उसमें। ठीक है, ध्यान से सुने, जिसको कुछ हम दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, ना कि जो सामान दे रहे हैं उसमें। तो अब ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण का चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, तो बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाए, तो ब्राह्मण का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो ब्राह्मणाए, ब्राह्मण, ब्राह्मणाए, ब्रह्मणाय, सह ब्राह्मणाए, और वस्त्रम अदेता है तो ददाति। ठीक है, सह ब्राह्मणाए वस्त्रम ददाति। ठीक है, कंप्लीटेड ब्राह्मणाए है। ठीक है, इसमें आकार कर लीजिएगा, ब्राह्मणाए नहीं होता है, ब्राह्मणाए होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र नोट कीजिएगा, दिया हुआ है दनार्थे चतुर्थी। क्या सूत्र है बच्चों, दनार्थे चतुर्थी। दनार्थे चतुर्थी सूत्र जो है यह कहता है, अगर किसी को कोई चीज़ दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखिए बच्चों, दनार्थे चतुर्थी, जिसे कोई चीज दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, जिसे कोई चीज़ दी जाए, अभी हम पढ़ाए हैं संप्रदाने चतुर्थी और उसमें बताए हैं, अगर किसी को कोई चीज़ आप दे रहे हैं और फिर ले नहीं रहे हैं, उसको संप्रदान बोलते हैं, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे तब तो फिर सर दनार्थ चतुर्थी क्यों लिखाए हैं बच्चों, बुक में जो सूत्र सब दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है दनार्थ चतुर्थी का एक आप एग्जाम्पल प्रस्तुत करें, या फिर दनार्थ चतुर्थी का एग्जाम्पल है और चार ऑप्शन दे दिया, उसमें टिक लगाना है, तो सूत्र को पढ़ना नेसेसरी होता है, इसलिए इसको भी डिस्क्राइब करते चलते हैं। दनार्थ चतुर्थी किसको कहेंगे, तो बोल रहा है जिसे कोई चीज़ दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्या चाहिए बच्चों, जैसे ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, पिछले एग्जाम्पल में ब्राह्मण था, एक था, तो एक वचन में बना, यहाँ पे ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं, तो देने का काम हो रहा है, और एक ब्राह्मण या बहुत ब्राह्मण, तो सर बहुत ब्राह्मण है, और बच्चों जब बहुत ब्राह्मण होगा तो फिर चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, तो बालकाय, बालकाभ्याम, उसके बाद बालके भया। तो उसी प्रकार से बच्चों ब्राह्मण का क्या बनाएंगे, ब्राह्मणेभ्य हो जाए, ब्राह्मणेभ्य। ठीक है, ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम और देते हैं तो ददाति। और मान लीजिए इससे पहले लिख दिया राजा ब्राह्मणों को, ठीक है, तो राजा के लिए मर्जी तो राज्ञा लिख लीजिए, या नृपा भी लिख सकते हैं, या फिर राजा का राजा भी आप यूज करेंगे, गलती नहीं होगा। मतलब राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं, तो बन गया राज्ञा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति। सही है, अब आगे की सेक्शन में बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 है,
धनार्थ चतुर्थी के बाद आगे लिखेंगे बच्चों तदार्थ चतुर्थी। धनार्थ चतुर्थी के बाद नोट कीजिए तदार्थ चतुर्थी। तदार्थ चतुर्थी, तदार्थ चतुर्थी सूत्र क्या कहता है? तदार्थ चतुर्थी सूत्र कहता है जिसके निमित्त कोई क्रिया की जाए उसे तदार्थ कहते हैं। क्या चाहिए बच्चों? जिसके निमित्त कोई क्रिया, क्रिया कहते हैं काम को जिसके निमित्त मां फिर जिसके लिए कोई काम को किया जाए उसको तदार्थ कहते हैं। और तदार्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तदार्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। थोड़ा सा बच्चों तदार्थ या संयुक्त यहाँ पे है उसको आप सुधार कर लीजिए। तदार्थ यह होता है थ और य, ठीक है, थ और य संयुक्त है तदार्थ चतुर्थी। इसमें बच्चों आप नोट करेंगे जिसके निमित्त, जिसके निमित्त कोई चीज की जाए, कोई चीज की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे जिसके निमित्त कोई चीज की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो बच्चों यहाँ पर वह नामक जो व्यक्ति है वह कर क्या रहा है? तो हरि को भजता है। और निमित्त क्या चीज है? तो टारगेट है, निमित्त है मुक्ति पाना। क्या है टारगेट? मुक्ति को पाना। तो मुक्ति में जिसके निमित्त कोई चीज की जाए तो निमित्त क्या चीज है? मुक्ति पाना। तो मुक्ति में क्या होगा? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। डैट मीन्स जो आपका टारगेट है उस टारगेट में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं वह के लिए सह और मुक्ति का बच्चों चतुर्थी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो मुक्ति लिखा हुआ है, क्या चीज होता है? मुक्ति सह मुक्ति या हरि ही, क्या चीज है? हरि ही, हरि ही। और भजता है तो भजती, ठीक है। सह मुक्तये हरि भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। सही है, कंप्लीट। अब तदार्थ हो गया, उसके बाद धनार्थ हो गया, उसके बाद एक और सूत्र है इसी सब से रिलेटेड, तदार्थ धनार्थ। आगे क्या चीज है बच्चों? अब सूत्र नंबर बच्चों 4 नोट करेंगे, निवारणार्थ चतुर्थी। फोर नंबर सूत्र है निवारणार्थे चतुर्थी। निवारणार्थे चतुर्थी सूत्र कहता क्या है?
निवारणार्थे, एक सेकेंड, बड़ी न यहाँ पे होगा, ठीक है। निवारणार्थे चतुर्थी, निवारणार्थे चतुर्थी बोल रहा है जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। निवारणार्थे चतुर्थी कहता है सूत्र, जिसके निवारण के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए कोई चेष्टा की जाए, ठीक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। लिख लीजिए, जिसके निवारण के लिए, के लिए कोई चेष्टा की जाए, कोई चेष्टा, चेष्टा में स दूसरा होना चाहिए भाई, कौन सा सदी हुआ, चेष्टा, जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा की जाए, कौमा, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जैसे बच्चों क्या लिखेंगे, तो जिसके निवारण के लिए कुछ किया जाए, सांप के लिए डंडा, सांप के लिए डंडा। तो बच्चों सांप के लिए डंडा कहने का मतलब है सांप का निवारण करने के लिए, वहां से भगाने के लिए क्या चीज का यूज करेंगे, तो हम डंडा का यूज करेंगे। तो जिसके निवारण के लिए कोई चीज किया जाए तो निवारण किसको करेंगे, सांप को, तो सांप के लिए, अब सांप में कौन सा विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति होगा। शब्द पूरा का पूरा संस्कृत में जैसे गाना सुनते हैं तो शब्द पे दिमाग चलाते हैं, वैसे ही संस्कृत में जितना भी सूत्र लिखा गया है सब में आप शब्द पे दिमाग चलाएंगे, ऑटोमेटिक सेंस क्लियर होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। जिसके निवारण के लिए कोई चीज की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब निवारण करना किसको है, तो सांप को, तो सांप को चतुर्थी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सर्पाए, बालकाय के अनुसार क्या चीज बन गया, तो सर्पाए, और दंडा तो दंडा, ठीक है। उसके बाद है मूस के लिए धुआं, मूस के लिए धुआं, तो मूस को भगाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो धुआं का, तो धुआं जो हो रहा है निवारण का काम कर रहा है, तो या सॉरी धुआं जो है वह भगाएगा किसको, तो मूस को, तो निवारण किसको कर रहा है, मूस को, तो मूस में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। तो मूस का चतुर्थी में बन जाएगा क्या चीज बच्चों, तो बच्चों मूस का चतुर्थी में बनाते हैं तो मुस्काय बनता है, क्या बनता है, मुस्काय, और धुआं का धुमा लिखते हैं, ठीक है, धुआं का क्या लिखेंगे, धुमा, मुस्काए धुमा, मतलब मुस के लिए धुआं, कंसेप्ट क्लियर है। कमेंट करके आप अवश्य लिखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बच्चों फॉर्मूला नंबर 5 है, 5 नंबर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, बलिहित, बलिहित सुखयोगे, बलिहित सुखयोगे चतुर्थी, इसमें बच्चों कुछ शब्द आपको लिखा गया है, इसमें कुछ शब्द है, देखिए इसको तोड़ेंगे तो बनेगा बलि,
इसको तोड़ेंगे तो बनेगा हित, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा सुख, हर्षुकार या दीर्घकार। तो बच्चों हर्षुकार का यहाँ भी प्रयोग है, ठीक है, इसको इधर घुमा लीजिए। बलि मतलब होता है किसी का बलि चढ़ाना, हित मतलब किसी को हित करना, ठीक है, और सुख मतलब किसी को सुख पहुंचाना, खुशी पहुंचाना, ठीक है। तो बलि, हित, सुख, इन सभी शब्दों के योग में, इन सभी शब्दों के योग में, शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सही है, बलि हित सुख योगे चतुर्थी, मतलब बलि, हित और सुख, इन तीन शब्दों के योग में अगर अनुवाद में कहीं भी ये तीनों शब्द दिखाई दे तो कौन सा शब्द का, कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे बच्चों? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होएगा, ठीक है। जैसे बच्चों नोट कीजिए, जैसे बलित सुख योगे चतुर्थी लिखा हुआ है, छात्र के लिए हित करना, छात्र के लिए हित करना। अब छात्र के लिए हित करना, तो बच्चों इसमें कौन सा विभक्ति? चतुर्थी। तो छात्र का बनाएंगे तो क्या बन गया? छात्राय, और हित करना तो क्या लिखेंगे? हितम, कि हितः। छात्राय, छात्र के लिए हित करना, तो छात्राय हितम, क्या चीज है? छात्राय हितम, ठीक है, छात्र के लिए हित करना, तो छात्राय हितम, सही है। अब बच्चों आगे लिखिएगा एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर, भूतो, भूत के लिए बलि, भूत को क्या चीज दिया जाता है? तो बलि पड़ता है तब जाकर के माना जाता है भूत प्रसन्न होता है, क्योंकि ये दानव का एक क्वालिटी होता है, ठीक है। तो भूत के लिए बलि है तो भूत का क्या बनाएंगे? तो भूताय और बलि, भूताय बलि, विसर्ग भी लगा हुआ है क्या? विसर्ग भी लगा, भूताय बलि, ठीक है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ श्लोक नंबर 5, ठीक है। 6 नंबर आपका फॉर्मूला है, रुचार्थानाम रुचार्थानाम प्रियमानः, रुचार्थानाम प्रियमानः। बच्चों रुच मतलब होता है अच्छा लगना, क्या होता है रुच मतलब? तो सर अच्छा लगना होता है। रुच्यर्थानाम प्रियमानः, बच्चों रुच धातु के योग में नोट करेंगे, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती हो रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है।
जैसे जैसे बच्चों क्या लिखेंगे, रुच धातु के योग में जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मह्यम मिष्ठानम, मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते। बच्चों ये बोर्ड का बहुत फेवरेट सेक्शन है। इस सेक्शन से लगभग लगभग हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए इस सेक्शन को विशेष रूप से आप कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक ना। 7 नंबर सूत्र दिया गया है, नमः स्वस्ति स्वाहा। इसी में जुड़ा हुआ है स्वधा अलम्बसट अ लंब षट योगाश्च, योगा योगाश्च, इसको एक साथ आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। योगाच नमः। बच्चों इसमें जो जो शब्द लिखा गया है उसका अर्थ पहले लिखते चलते हैं। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है बच्चों, नमः कहीं लिखा हुआ है मतलब नमस्कार करना। नमस्कार करना मतलब प्रणाम करना, राष्ट्रीय अभिवादन है नमस्कार, ठीक है। नमः मतलब नमस्कार करना। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब बच्चों होता है कल्याण करना, कल्याण करना। स्वस्ति मतलब क्या होता है बच्चों, कल्याण करना। स्वाहा, स्वाहा शब्द का मतलब होता है हवनीय सामग्री, हवनीय सामग्री का प्रक्षेप करना, प्रक्षेप करना। बच्चों प्रक्षेप करना मतलब बोलते हैं इसको ऊपर की तरफ भेजने को प्रक्षेप करना भेजते कहते हैं, ठीक है। अगर बगैर व्यक्ति के डायरेक्ट सामग्री को ऊपर की तरफ हम भेजते हैं उसको क्या कहेंगे, प्रक्षेप करना। और आप देखते हैं कि हवन सामग्री में कोई सामान डालते हैं और बोलते हैं स्वाहा, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रक्षेप कर रहे हैं, यह अग्नि के माध्यम से ऊपर जाएगा और जहाँ पे इसको फैलाना है प्रकृति को वो अपना फैलाएंगे। बात समझ में आया। तो स्वाहा का मतलब क्या होता है, हवन वाला जो सामग्री है उसको प्रक्षेप करना। उसके बाद बच्चों एक और शब्द आता है स्वधा। क्या आता है स्वधा, यह पितरों के लिए यूज होता है, पितरों के लिए। बहुत जगह पे देखते होइएगा बुजुर्ग व्यक्ति देहांत कर गए, मर गए, तो उनके लिए पिंड दान होता है, पिंड का पूजा वगैरह होता है, उसमें इस स्वधा शब्द का यूज होता है, जिससे कि पितरों को बहुत लोग पानी पिलाते हैं, बहुत सारा कुछ चढ़ाते हैं अपना, तो ये स्वधा वहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों है अलम। अलम मतलब होता है पर्याप्त। क्या चीज है अलम, अलम मतलब होता है पर्याप्त। कौमा दे दीजिए, उसके बाद वसट है, वसट हलंत, ठीक है। वसट का मतलब होता है बच्चों इंद्र के लिए, इंद्र के लिए हरविदान,
इंद्र के लिए हरविदान, इन सभी शब्दों के योग में आगे लिख लेंगे आप, इधर लिखा देते हैं ठीक है, नीचे आप नोट करते चलिएगा। इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ठीक है। इन सभी शब्दों के योग में कौन विभक्ति बच्चों होगा, तो चतुर्थी विभक्ति होता है। अब बच्चों कुछ आप देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए ठीक है। एग्जाम्पल जैसे श्री गणेश को प्रणाम, तो बच्चों श्री गणेश को प्रणाम, तो यहाँ पे नमः शब्द का प्रयोग हो रहा है नमस्कार करने का, तो इसमें क्या चीज यूज होगा, तो बोला गया है नमः स्वस्ति, यहाँ से यहाँ स्वाहा स्वधा अलंब वशट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब अनुवाद में जहाँ कहीं भी ये सब शब्द दिखाई देगा उसमें सीधा सीधा हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे ठीक है। अब श्री गणेश को प्रणाम बनाएंगे तो श्री गणेश लिख लेते हैं और चतुर्थी विभक्ति गणेश में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गणेशाय बालकाय, तो गणेशाय ठीक है। तो बना गया आपका श्री गणेशाय, अब प्रणाम के लिए नमः। आप देखते होइएगा शादी विवाह का भी मौसम है, कार्ड पे सबसे ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः, मतलब अर्थ उसका होता है श्री गणेश को प्रणाम। क्या अर्थ होता है बच्चों, श्री गणेश को प्रणाम। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल आपको पेश करते हैं, इसको आप नोट करेंगे सबको ठीक है। जितना कहानी कर रहे हैं इस सब के कहानी का आखिरी दो क्लास में बहुत बहुत आप लोगों को इस बोर्ड पे अनुवाद लिखेंगे, हिंदी में वाक्य लिखेंगे और बोलेंगे संस्कृत में अनुवाद करने को ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होते चले, रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी जितना पढ़ा रहे हैं हर टर्म को आप बिल्कुल बारीकी के साथ रिमेम्बर करते चलेंगे ठीक ना, सबको आप याद करते चलेंगे, बिल्कुल एक भी भूलिएगा नहीं तो आगे चल करके दिक्कत हो जाएगा ठीक है। अब बच्चों आगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा का कल्याण हो, अब प्रजा में एक व्यक्ति की बहुत व्यक्ति, तो राजा एक और प्रजा जब होता है हमेशा अनेक, तो बनाएंगे तो बनेगा प्रजा भयः। आज स्वस्ति मतलब क्या होता है, कल्याण होना, प्रजाभ्यः स्वस्ति ठीक है, प्रजाभ्यः स्वस्ति। उसके बाद है अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। अब बच्चों अग्नि के लिए है तो अग्नि में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, अग्नीय होता है अग्नये ठीक है, अग्नये स्वाहा। ये सब बच्चों आप रिमेम्बर कर लेंगे, आपका चतुर्थी विभक्ति में जितना भी सूत्र था सारा का सारा सूत्र बिल्कुल बखूबी पूर्वक आपको कंप्लीट कराए हैं। बच्चों हमारा अपना ऑनलाइन टीचिंग ऐप है गुरुकुलम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, जहां पे बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए पूरी की पूरी संस्कृत
का अलग अलग बैच तैयार किया गया है और हर उसके बैच में पूरी की पूरी संस्कृत की सिलेबस पढ़ाया जाता है, बिल्कुल कम फी में पूरा चीज़ का हम तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बैच परचेज करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।